हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्रत में आपने बहुत सारी चीजें खाई होंगी। क्या आपने व्रत में पराठा खाया है? बहुत बढ़िया पराठा, बहुत सिंपल तरीके से। आज मैं आपको व्रत के सिंघाड़े के आटे का पराठा बनाना सिखाती हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। इसको मैं सिंघाड़े के आटे और आलू से बनाऊंगी, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बोल लेंगे, उसमें 3 मीडियम साइज के आलू लेंगे, बॉइल्ड आलू, उनको मैश कर लेंगे। अब उसमें 1.5 कटोरी सिंघाड़े का आटा डालूंगी, 1 छोटी कटोरी पीनट पाउडर डालूंगी। मूंगफलियों को मैंने भून के उनका छिलका हटा के मिक्सी में पीस लिया है। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो सेंधा नमक का यूज किया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 स्पून पाउडर शुगर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी चीजों को हाथ से मिक्स कर लूंगी। सभी चीजों को मिक्स करते हुए इसका डो बनाएंगे। इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने आलू डाले हैं तो पानी यूज नहीं होगा। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच घी, आप तेल का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने डो बना लिया है, अब इसको 10 मिनट के लिए सेट होने को रख देंगे। जब सेट हो जाएगा तब मैं आपको इसके पराठे बनाकर दिखाऊंगी। दस मिनट हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इसको फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए आटा हमारा रेडी है। अब चलते हैं पराठे बनाने के प्रोसेस में। अब इसकी लोई बना लेते हैं इस तरीके से। अब लोई पे सूखा सिंघाड़े का आटा लगा के इसको बेल लेंगे। इसको हल्के हाथ से बेलना है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बेलते समय साइड में इसमें क्रैक्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर का ढक्कन लेके इसको राउंड शेप दे देंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा साइड से निकलेगा उसको नेक्स्ट टाइम लोई बनाते समय उसमें यूज कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके का बनेगा। गैस पे तवा रख दिया है, गरम तवे पे हम ये पराठा डाल देंगे। एक तरफ से ये सिक गया है, अब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सेक लेंगे। गैस को मीडियम रखा है, अब इस पे घी लगा के इसको अच्छे से सेक लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी घी या तेल यूज कर सकते हैं। अब पलट के दूसरे साइड से भी घी लगा के सेक लेंगे। ये देखिए पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। अब इस पराठे को निकाल लेते हैं। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप इनको दही के साथ या आलू की तरी वाली सब्जी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको आई है पसंद, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।